आई 26वीं तरमीम में पीटीआई ये समझ रही है कि मौलाना फजल रहमान ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और इससे जमहूरियत को जो तकवीत मिली है, आप क्या समझती है? पीटीआई ये समझती है कि मौलाना फजल रहमान ने बड़ा पॉजिटिव रोल जो प्ले किया है पीटीआई वालों ने? हाँ जी, पीटीआई वाले देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से शुरू से हम ये कह रहे थे कि वो किसी भी जाल में ना आए, किसी के भी जाल में ना आए, और वो ये काम ना करें कि वो हुकूमत के साथ इंगेज हों और इस तरमीम को कुलियतन मुस्तरद करें। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उनकी मर्ज़ी ज़ाहिर है, उनकी पार्टी है, और वो हुकूमत के साथ मुसलसल इस पूरे अमल में इंगेज रहे और इसके नतीजे में नुकसान ये हुआ कि जो तहरीक बननी चाहिए थी इस पूरी आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ वो नहीं बन सकी। बल्कि पीटीआई के दोस्त बार बार मौलाना के साथ खड़े होकर ये बात कहते रहे कि हमें मौलाना की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ है। जब उन्हें मुकम्मल इत्तेफाक था तो मुखालिफत क्यों की? और अगर मुखालिफत क्यों की जो है वो अगर उन्होंने की है तो मुकम्मल इत्तेफाक किस बात से कर रहे थे? तो इसके नतीजे में ये पूरा अमल ही मशकूक हो जाता है और फिर ऐसे लोगों की बातों को तकवीत मिलती है जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और था और पार्टी के दीगर रहनुमाओं का मौक़िफ़ और था और दरहकीकत ट्रैप में आकर या मुकमुका करके ये आईनी तरमीम जो है हुकूमत ने पास करवा ली।